चालीस दिन से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं आया आज सीबीआई का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सीबीआई के बयान का मतलब यह है कि सुशांत की मौत की जांच मर्डर के एंगल से भी हो रही है किसी एंगल को रूल आउट नहीं किया गया है जो स्टेटमेंट आया वो दो लाइन का है और इसके बहुत सारे मतलब लगाए जा रहे हैं स्टेटमेंट में कहा गया सुशांत केस की प्रोफेशनल तरीके से जांच हो रही है और इस मामले में हर एक एंगल से जांच हो रही है किसी भी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया गया यानी सीबीआई ने क्लियर किया कि सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या और हत्या इन दोनों एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीबीआई के बयान के साथ आज सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करके दिल्ली लौटी एम्स की मेडिकल टीम की तरफ से भी बयान सामने आया फॉरेंसिक टीम ने कहा वो लगातार सीबीआई के संपर्क में है और अगर जरूरत होगी तो इस मामले में बहुत जल्द कंक्लूसिव मीटिंग की जाएगी यानी निर्णायक मीटिंग इस मामले में होगी क्योंकि सीबीआई जांच के रफ्तार पर सीबीआई के रवैये पर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाए थे आज जब दोनों एजेंसियों के स्टेटमेंट आए तो विकास सिंह ने कहा उन्हें सीबीआई की काबिलियत पर शक नहीं है लेकिन लग रहा था कि केस की अहमियत में कमी आ गई है देखिए मेरे को सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटी पे कभी भी डाउट नहीं था मेरे को जो डाउट हो रहा था वो बीच में जो एक हफ्ते दस दिन से जो सीबीआई की टीम दिल्ली आ गई थी और यहाँ एम्स की टीम भी दिल्ली में वेट कर रही थी और मीटिंग नहीं हो पा रही थी तो लग रहा था कि फिर वो कहीं ना कहीं इस केस की अहमियत में कोई कमी तो नहीं आ रही है क्योंकि अगर वो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है मीटिंग करने का दोनों को सीबीआई को सी बी आई सब इसको क्योंकि बिना एक आ, उनकी आ, मीटिंग हुए ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि ये मर्डर है या टू बेटम तो है वो एक जब इनका जॉइंट मीटिंग होगा उसके बाद ही क्लियर होगा या तो फिर या तो पहले कोई को खूनी ही पकड़ा जाए कि इसने मारा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो स्वर्सनिक का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अगर जब तक अभी खूनी तो पकड़ा नहीं गया है तो इसलिए अभी कोई वैसी इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं है जिसमें कि इंपॉर्टेंट कैसे कैसे पूरी, पूरी तो थी और जितना जल्दी ये मीटिंग हो और जितना जल्दी ये फैसला लिया जाए कि ये तो सुइसाइड है या मर्डर है उतना बेटर इस केस के लिए होगा इस केस के तहफी के लिए होगा इस, इस केस को अंजाम दिलाने में हमको मदद मिलेगी तो इसलिए उस 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 परपस से हमको ये लग रहा था कि थोड़ा सा इस मामले में डिले हो रहा है और कुछ और कोई बात नहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए 106 दिन हो गए इस केस को लेकर इतनी बातें हो रही हैं इतनी स्पेक्युलेशन है इतनी, इतनी उत्सुकता लोगों के मन में है लेकिन अभी तक बेसिक सवाल का जवाब नहीं मिला क्या 14 जून को हुआ क्या था आत्महत्या थी या हत्या चालीस दिन से सीबीआई जांच कर रही है दो महीने से ज्यादा ईडी इसकी जांच में लगी है नारकोटिक्स ब्यूरो इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व है यानी तीन तीन एजेंसियां लगी हुई हैं लेकिन अभी तक सिर्फ यह पता चला कि कौन सिगरेट पीता था कौन गांजा ऑर्डर करता था और किसने तीन साल पहले चरस के कश लगाए थे और इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है और जब सच सामने नहीं आता तो अटकलें लगाई जाती हैं लोग पूछ रहे हैं जांच इतनी धीरे क्यों हो रही है नार्कोटिक्स ब्यूरो सुशांत के केस को छोड़कर फिल्मी सितारों की परेड क्यों करा रही है लोग पूछते हैं क्या इसके पीछे राजनीति तो नहीं क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस का इस्तेमाल बिहार के इलेक्शन में वोट पाने के लिए किया जाएगा इसलिए मामले को गर्म रखा जाएगा सबसे ज्यादा अटकलें तो इस बात को लेकर है क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस की वजह से महाराष्ट्र में सियासत नया मोड़ लेगी क्या बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से साथ आ जाएंगे और यह सारी बातें इसलिए शुरू हुई कि महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख ने आज पूछा कि सीबीआई इस जांच में इतनी देर क्यों लगा रही है यह वो सवाल है जो बीजेपी के लीडर महाराष्ट्र की सरकार से और मुंबई पुलिस से पूछते थे असल में शिवसेना और बीजेपी के साथ आनंद की का दौर शुरू हुआ देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मीटिंग के बाद